अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल और यमी फालूदा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 अगस्त से मैं अपने चैनल का नाम लालाज मेन्यू से चेंज करके लुबनाज कुजीन रख रही हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी आप मुझे लुबनाज कुजीन के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फालूदे के लिए सेवइयां रेडी कर लेते हैं। सेवइयां बनाने के लिए मैंने ये एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। 1.5 कप पानी डाल दिया, 1 टेबल स्पून शुगर और ये 1/2 कप इसके अंदर मैंने कॉर्न स्टार्च, जिसे कॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं, ये डाल दिया। चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया, पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, फिर हम स्टोव को ऑन करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, मैं स्टोव को ऑन करने लगी हूँ। इसको मीडियम आंच पर बनाना है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, इसलिए इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, इसको मिक्स करते रहना है। ये देखिए इसमें लम्स बनने लग गए हैं, अब ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, ये देखें, इसको मिक्स करते रहना है। इन सेवियों को बना के 7-10 दिन के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस इसको ठंडे पानी के अंदर ऐसे पड़ा रहने दें और इसको जब दिल किया निकाला और बना लिया, आप इसको 1 वीक से 10 डेज तक इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी ये बनने लग गया है। बस आपने इसको मिक्स करते रहना है। साइड से साफ करते रहें। देखिए जब तक कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाते रहना है। बस ऑलमोस्ट हो गया ये। ये देखें इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैंने स्टोव को बंद करने लगी हूँ, ये रेडी हो गया। ये देखें ये मेरा ये रेडी हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया। ये मेरे पास सेवियों वाली मशीन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको जिप लॉक बैग में भी बना सकते हैं या इस तरह की केचप की बॉटल जो मिलती हैं उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, या किसी तरह की भी बॉटल लेके उसके कैप में होल कर लें और उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसके अंदर बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया इसके अंदर ताकि ये जो है इसके अंदर स्टिक ना हो। ये काम आपने बहुत जल्दी जल्दी में करना है, गरम गरम में। ये देखें ये अब इसमें डाल लेते हैं जितना ईजीली इसमें आ जाए। पानी हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, ठंडा पानी। देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। एक बोल में पानी लेके तो उसके अंदर आइस क्यूब डाल दिए ताकि पानी ठंडा हो जाए। ये देखिए ये मैं मशीन को घुमाती जाऊंगी और इसके अंदर से ये सेवियां बन के निकलती जाएंगी। ये देखिए हमारा एक बैच रेडी हो गया है, मैं अब बाकी वाला भी इसमें डाल लेती हूँ। फालूदे के लिए अब दूध रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 कप मिल्क लिया है, इसको मैं पहले बॉयल करूँगी फिर उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दूध बॉयल हो गया है, हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1/2 रह जाए। इसके अंदर मैं अब नट्स डाल देती हूँ, ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून नट्स हैं, ये डाल दिए मैंने इसमें। इसके अंदर बादाम और पिस्ता शामिल है। इसको मैंने मीडियम आंच पे कर दिया और ये हल्का हल्का पकता रहेगा। ये देखें दूध में बॉयल आता जा रहा है, ये जो बलाई इसकी साथ लगती है इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे और जब ये 1/2 क्वांटिटी में रह जाएगा तो फिर इसको हम बंद करेंगे। इसके अंदर शुगर डालेंगे या आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं।
इसको भी पकने देते हैं। गाढ़ा गाढ़ा सा ये मज़े का लगता है। जो मिल्क है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूंगी। अगर आप शुगर डालना चाहें तो आप शुगर डाल लें, मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो ये मैं डाल रही हूँ। पहले 1 टेबलस्पून डाल के चेक कर लेती हूँ इसको मिक्स करके, तो इसका टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तुक लगा भिगो देते हैं। उसके लिए मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ। 1/2 कप पानी में 1 टेबलस्पून ये तुख मलंगा ये मैंने भिगो दिया है। अब फालूदे को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक टॉल ग्लास चाहिए या एक बोल भी ले सकते हैं आप, लेकिन टॉल ग्लास में जब लेयरिंग करेंगे तो वो ज़्यादा डिफरेंट कलर की लेयरिंग्स बहुत प्यारी लगेंगी। तो ये मैंने एक टॉल ग्लास ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर ये मैं जो फालूदे की सेवियाँ हैं ये डालूंगी। हार्ड एंड फास्ट फूल नहीं है, जितना आपको पसंद है उतना डाल लें। ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी सेवियाँ डाली हैं। इनके ऊपर मैं रेड शरबत डालूंगी। थोड़ा सा जो है साइड्स पर भी डाल देते हैं ग्लास को थोड़ा सा मैसी करने के लिए, इससे इसकी लुक अच्छी आएगी। इसके ऊपर ये तुक मलंगा जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी वो डाल रही हूँ मैं। ये भी आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप डाल लें। ये बहुत हेल्दी होती हैं और स्पेशली समर में तो ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये हेल्दी भी बहुत है। इसके साथ हम डालेंगे ये थोड़ी सी जैली, ये ग्रीन कलर की जैली है मेरे पास और रेड भी है। इधर से मैं ये रेड जैली भी डाल देती हूँ। इसके ऊपर सेवइयां डाल रही हूँ। साथ थोड़े से नट्स, ये पिस्ता और बादाम ये डाला है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर ये जो मैंने दूध बनाया था वो डालूंगी। और ये जो कुल्फा आइसक्रीम, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुकी हूँ। इसको लास्ट वाली मेरी जो वीडियो है इसी पे ये है, ये मैंने डाली है। ये भी आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप डाल लें। इसके ऊपर अगेन मैं सेवइयां डाल रही हूँ, साथ में ये तुक मलंगा। और जैली के साथ ये इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल देते हैं। फालूदा रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत इजी, यमी और क्विक रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।